कॉनकॉर्डिया कॉलेजेस एकेडमिक्स डिपार्टमेंट अपने तमाम स्टूडेंट्स को थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द ईयर एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, स्पेशली एग्जाम्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के लिए उन्हें कौन सी स्किल्स और टिप्स चाहिए वो सब हम उनको ट्रेन करते हैं। हम इन स्टूडेंट्स को एक बड़ी ट्रेनिंग के अंदर बुलाते हैं और पाकिस्तान के रिनाउंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ना सिर्फ ये ट्रेनिंग एग्जाम्स के ऊपर या एकेडमिक्स के ऊपर फोकस कर रही होती है, बल्कि उन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करती है जिसकी वजह से एग्जाम्स में स्टूडेंट्स सफ़र करते हैं, लाइक टाइम मैनेजमेंट, पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर अटेम्प्ट एरियाज और एग्जाम्स के प्रेशर को डील करने के लिए टिप्स उनको सिखाई जाती हैं। वी एम कि हम इन ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स को टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कंटिन्यू रखें ताकि अपने रिजल्ट्स को जो आगे ही बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम इनको और बेहतर कर सकें। The dedicated structure for chemotaxis in bacteria is flagella. I blank for Karachi this evening. This is again a tricky one. कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? लड़के के हाथ में क्या था? कटोरा जो है सी ऑप्शन इसके दुरुस्त थी। तो हर स्टेप में एक HPR बनेगा और लास्ट पे क्वार्टर इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड बनेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को आप डिवाइड करते हैं आई पीस की फोकल लेंथ से, सो इट मींस कि 20 सेंटीमीटर उस डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर। ये वो MCQ है जो रिपीटेडली आपके बोर्ड के पेपर में आया है। XGA, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड ग्राफिक अरे। इसकी रेजोल्यूशन क्या होती है? 1024x786। The output of compiler is called object code. Assalamualaikum, my name is Haizab bin Nadeem. I am from Kangodia College, Faisalabad campus. Today we were invited by Kangodia College to a national hunt program. और आज हमारी इस प्रोग्राम में काफ़ी प्रिपरेशन टेस्ट की गई और बोर्ड के भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टिप्स दी गई, क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा हेल्प इन आई वुड लाइक टू थैंक द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल ऑफ द पीपल इन्वॉल्व फॉर अरेंजिंग दिस प्रोग्राम फॉर अस। माय नेम इज़ आमना नूर, आई एम फ्रॉम कंकोरिया कॉलेज रहीमिया खान। दिस टेस्ट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर प्रिपरेशन बिकॉज वी हैव सीक अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस टेस्ट एंड वी हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट फ्रॉम दिस। जितने भी टीचर्स थे उन सब ने बहुत अच्छे लेक्चर्स दिए हैं, बहुत बेनिफिशियल थे हमारे लिए। फ्यूचर के लिए जो टिप्स दिए हैं वो भी बहुत बेनिफिशियल थे एंड इंशाल्लाह वी विल इम्प्रूव आवर सेल्फ। दिस नेशनल टैलेंट हंट वॉज ऑर्गेनाइज बाई कॉनकॉर्डिया कॉलेजेस टीम एट द हेड ऑफिस एंड आई मस्ट से इट वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज, वेरी वेरी वेल थॉट फॉर। हमारे बच्चों को ज़रूरत है इस वक्त बात को जानने की कि बोर्ड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह के पेपर्स पर उन्होंने अपेयर होना है। So this was an opportunity for all of them to gain that experience. Very well organized, very well managed and very in-depth, very intricate details ko bhi samne rakke results announced hue hain and I would like to congratulate the students who got the prizes. In this competition not only students learned the spirit of competition but they were also able that how they can learn to practically exercise their skills of time management and certain other skills which are directly related with their upcoming entrance test, university exam test and certain tests they are going to be appear in the next coming future. Kuch common confusions hoti hain bachchon ko subject related, कॉन्टेंट रिलेटेड, उनको बहुत अच्छे तरीके से हमारी पूरी एकेडमिक्स टीम ने आज वन ऑन वन बच्चों के साथ डिस्कस किया एंड आई एम होपफुल कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू।